अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवर शाह। इस वक्त हम मौजूद हैं रायवंड तबलीगी तमा पर। यकीनन पूरे दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में दीन सीखने के लिए आते हैं। चार हलकों पर ये इज्तमा जो है वो मुश्तमिल था। पहले हलके में जो है वो पिशावर, क्वेटा, लाहौर, उसके साथ साथ मुल्तान के ये जो इजला थे वो शामिल थे। तकरीबन 13 से 14 लाख का मजमा आया हुआ था और आज इज्तमाई दुआ थी और अल्लाह पाक ने हमें भी तौफीक दी कि इस इज्तमाई दुआ में हम भी शरीक हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही भी इस इज्तमाई दुआ में शिरकत की है उन्होंने और अफ्रीकी इज्तमा भी पहुँचे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि तकरीबन 140 ममालिक से जो लोग थे लोग यहाँ पर आए हुए थे और यकीनन पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में दीन सीखने के लिए आते हैं। तमाम मनाजर आपको इस वक्त लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त लोग जो है वो वापस अपने घरों को जा रहे हैं और लाखों की तादाद में जो है वो मजमा इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। और दूसरा इज्तमा जो है वो भी शुरू होने वाला है। मौलाना ज़रीफ़ साहब भी यहाँ पर हमारे साथ आए हैं। मौलाना साहब आप क्या कहेंगे? रहमान रहीम शाह जी, यकीनन सुकून और ख़ुशी जो है वो दीन के रास्ते में है। जो जितना दीन वाली ज़िंदगी गुजारेगा उतनी ही खुशी उसको नसीब होगी। तो ये रायवंड मरकज़ माशाल्लाह पूरी दुनिया में दीन की मेहनत का काम है। जैसे कि आपके सामने आज पहला इज्तिमा इख्तिताम पज़ीर दुआ हो चुकी है और माशाल्लाह कमोपेश 140 ममालिक से मेहमान तशरीफ़ लाए, उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और ये माशाल्लाह चार हलकों पर मुश्तमिल मुल्तान, पिशावर, लाहौर और क्वेटा, इन चार हलकों के आवाम है माशाल्लाह बड़ी कसीर तादाद में आपके सामने। अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए और इस इज्तिमा को पूरी इंसानियत की हिदायत का ज़रिया बनाए। माशाल्लाह हमारे काफ़ी दोस्त जो हैं वो तश्कील भी करवा चुके हैं और मुख्तलिफ जो अल्लाह की दीन को जगह जगह पहुँचाने के लिए वो अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और उनकी तश्कीलें जो है वो चुकी हैं। इस वक्त बस हम रवाना होंगे वापसी, तो अपनी दुआओं में खुशी याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह जब तक सांस है तो दीन के रास्ते में हम भी निकलते रहेंगे और इंशाल्लाह दुआ गो हैं तमाम उम्मत मुसलमा के लिए।